आज का टॉपिक है स्केचिंग। स्केचिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्राइंग का। आप एज एन आर्टिस्ट या एज ए टीचर, आप किसी भी लेवल पे ड्राइंग का काम करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको स्केचिंग करते रहना चाहिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आते हैं कि हम किस तरीके का स्केचिंग करें। तो स्केचिंग आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो, चाहे कोई पिक्चर ले लो, मार्केट में जा रहे हो या गार्डन में जा रहे हो, किसी भी चीज़ का, या कोई ह्यूमन बीइंग का, इंसान के, कोई भी आप किसी भी चीज़ के स्केचिंग कर सकते हो। जैसे आपके घर पे कप प्लेट हो, आप छोटे पेन हो, पेंसिल हो, तो स्केचिंग से जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि स्केचिंग से हमारा ड्राइंग का जो स्किल है वो डे बाय डे बढ़ जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका स्केचिंग कैसा हो, लेकिन आप जब शुरू करते हो, आप शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपका स्केचिंग अच्छा होता जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं ड्राइंग कंप्लीट करती हूँ। लेकिन यहाँ पे और एक बात मैंने लिखा है थंबनेल में, ट्रेन योर आईज। मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जब देख के आउटलाइन देखोगे, कोई भी, सपोज आपने एक ब्रश रख दिया और आप उसे देख के स्केचिंग कर रहे हो, तो उसकी जो आउटलाइन है उसे देखते हुए स्केचिंग करोगे और आपके आईज को ट्रेन करोगे। तो इसी तरीके से आपको हर चीज़ दिखने लगेगा। जो चीज़ आपको पहले नहीं दिखते थे वो आपको साफ दिखने लगेगा। तो चाहे आर्टिस्ट किस लेवल पे भी काम करे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे किसी भी चीज़ का स्केच